अच्छा चल रहा है ना? अगर कोई डाउट होगा तो बता देना, कोई समस्या होगी तो बता देना। गुड इवनिंग, आल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है, जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो तो काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो हमें ये बताओ कल क्या पढ़ा रहे थे? बताइए कल क्या पढ़ा रहे थे? भाई बंद करो यार, काहे परेशान कर रहे हो यार, साइलेंट कर दो। चलिए कल क्या पढ़े थे हम लोग, याद है आपको? बताओ क्या पढ़े थे कल, कल क्या पढ़ रहे थे? कुछ तो बोलोगे यार, हमें लगता है चैप्टर 7 चल रहा था ना, चैप्टर 7 चल रहा था, तो चलो हम उसी में आगे बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 7 ना। चलिए तो एक बात हमें बताओ, आप सभी बच्चे द्विघात समीकरण पढ़े हो, है ये चीज़ पढ़े हो, रैखिक समीकरण पढ़े हो ना? अगर मैंने लिखा यक्स प्लस 9 इक्वल माइनस का 5, तो ये बताओ ये समीकरण यक्स के किस मान के लिए संतुष्ट होगा? ये समीकरण यक्स के किस मान के लिए सेटिस्फाइड होगा? सभी बच्चे जवाब देंगे, ईमानदारी से बताएंगे, ये समीकरण यक्स के कौन से मान के लिए सेटिस्फाइड होगा? हाँ तो बच्चे चलो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल थी लाइव नंबर 16 ना, रेखीय समीकरण कल पढ़ रहे थे। देखो ध्रुव का उत्तर आ गया, तो बहुत अच्छे ध्रुव जी, वेरी वेरी गुड, अच्छी कोशिश की आपने। सभी बच्चे बताओ ये समीकरण यक्स के कौन से मान के लिए सेटिस्फाइड होगा? जल्दी बोलो। कुछ बच्चे 14 बता रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ और बता रहे हैं। भाई क्या बात है, ये अलग अलग क्यों बता रहे हो, एक जैसे बताओ ना। यक्स के कौन से मान के लिए सेटिस्फाइड है, बता लोगे? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमें रिवीजन करना है, रिवीजन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाँ चलो एक समीकरण दूसरा बताओ, क्योंकि कल ही पढ़े हो, अगर नहीं बता पाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ किस मान के लिए संतुष्ट है, इस पे एक्स का मान बताना है। इसमें बताओ यक्स अपान -5 इक्वल, अगर ये माइनस का 9 है तो इसमें हमें यक्स का मान बताओ। दूसरा वाले में जवाब दो। प्रियंका मौर्य जी गुड इवनिंग, शरद तिवारी, वैशाली त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। लेकिन आप लोग बच्चे नहीं जोड़ रहे हो, मज़ा बिल्कुल नहीं आ रही, ये जान लो मज़ा बिल्कुल नहीं आ रही क्लास में, और हम पढ़ाएंगे नहीं ये भी समझ लो। अगर बच्चे नहीं जुड़ेंगे, क्लास शेयर नहीं करोगे आप लोग, तो हम नहीं पढ़ाएंगे, फिर नहीं पढ़ाएंगे, फिर जहाँ मर्जी वहाँ पढ़ो। इसलिए कहते हैं क्लास आप सभी शेयर कर दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो बाबू लोग, शेयर कर दिया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ। आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी अच्छी क्लास चलेगी। जिनको नहीं पता वो नो लिख के कमेंट करें, जिनको नहीं पता वो या वो नो लिख के कमेंट करें, लेकिन हर कोई करेगा क्योंकि मैं पढ़ा दिया हूँ, मैं पढ़ा दिया हूँ। बोलो सभी बच्चे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप की स्टेटस में क्लास की लिंक लगा दिया करिए, जो आपके पढ़ने वाले साथी हैं सभी को बता दिया करो कि भैया रात के 9 बजे से क्लास चलती है, बिल्कुल फ्री क्लास होती है, और आप तुम लोग आ जाया करो भाई। हाँ इसमें मुझे बताओ कोई वाई का मान, इसमें कोई वाई का मान बताओ। चलो जल्दी रेडी हो जाओ, क्या आएगा वाई का मान यहाँ पे? सवाल नंबर 3 का जवाब दो। कैसे बताओगे पता है, इसको क्यू क्यू थ्री के आगे आंसर लिखना, क्यू थ्री लिखने लिखना। शालिनी रंजन 45 आ रहा है, सोनम शुक्ला का माइनस का आ रहा है, और कौन है भैया, एक मिस्टर एदुवंशी पीवीआर स्टडी, कौन हो भाई, ये घोड़ा गधा भेज रहे हो? हाँ काहे को ऐसा कर रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो। चलिए भारती भगत, संध्या कुमारी, कविता राजपूत, सबका आ गया। थर्ड का जवाब दो, थर्ड का। उजाला मौर्या, यही पढ़े हो क्या 3-4 दिन में? यार इतना देर लगता है सवाल करने में, मतलब बड़े क्या कहें किस टाइप के हो आप लोग। चलो एक सवाल और बताओ।
अगर यहाँ पे x स्क्वायर अपन 5 है और यहाँ पे इधर साइड में देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है। अच्छा ये पी वाले का हमें बताओ मान इसमें क्या आएगा, अगर आप पी का मान निकालोगे ओ एक्स का मान, इसमें यक्स की वैल्यू क्या आएगी अगर ये एक समीकरण के रूप में दिया है और आपको हल करना पड़ जाए खुदा ना खास्ता, तो क्या आएगा? सभी बच्चे बोलो, जल्दी करो, जवाब दो, कोशिश करो। भैया यदुवंशी जी आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, मुझे लग रहा है ना अगर कुछ सेकंड बफरिंग करता है तो भाई आप लोग क्लास मत छोड़ना, ठीक ना बच्चे? कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या, बफरिंग कर रहा है ना? इसका मान बताओ, जल्दी बताओ पी का मान, जिनको नहीं आ रहा वो नो लिख के कमेंट करें, लेकिन जवाब हर कोई देगा कितना है। फटाफट बोलो कितना आएगा, जल्दी करो, लेकिन बहुत देर नहीं, बहुत जल्दी करो, कितना आएगा बच्चे? यार तुम लोग एकदम, मैं क्या कहूँ, जाने तो मत बताओ। चलो इसका क्रॉस मल्टीपल करोगे तो माइनस का वाई इक्वल आएगा माइनस का 45, यानी वाई का वैल्यू 45 आएगा, प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। यहाँ पे करोगे इसको, इसमें मैंने आपको पहले बताया था 5 है तो इसमें एक्स का मान क्या आएगा? जल्दी सभी बच्चे जवाब दो, फटाफट मत करो, जल्दी करो सभी बच्चे, रेडी हो जाओ। अनुष्का शुक्ला का भी आ गया, और कौन है भैया? खुशबू, और कौन है? ये निर्मला पाल, अंजलि मिश्रा, ये सब जट है इसमें क्योंकि देखो इंटरनेट गड़बड़ चल रहा है कुछ थोड़ा सा, इसलिए मैंने बंद कर दिया, नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया है। हाँ चलो ठीक है, मैंने नेटवर्क चेंज कर दिया जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल सके, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और भी सवाल करेंगे कुछ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चूंकि ये सब पढ़े हो तो आपको आना चाहिए, और ये सब बताने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी तो आप लोग की ये है जो इतना ज़्यादा टाइम लेते हो, इतना ज़्यादा समय मत लिया करो ये सब बताने में, ठीक है ना? देखो बच्चे एक बात जान लो, अगर बीच में बफरिंग होता है तो क्लास छोड़ के मत जाना, अगर बफरिंग होता है तो क्लास छोड़ के मत जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती कभी कभी, इंटरनेट की समस्या है, नेटवर्क का इशू है, तो आप लोग को जाना नहीं है। एक और बताओ, सवाल नंबर 5 लिख लो, और ये बताओ मुझे कि माइनस का वाई प्लस 3y इक्वल माइनस का 5/3 है, तो इसमें से हमें y का वैल्यू बताओ। सभी बच्चे बताएंगे, नहीं आएगा जिनको वो नो लिख के कमेंट करेंगे, जिनको नहीं। तो चल रहा है भाई, देखो यार ये इंटरनेट का इशू है बाबू, ठीक है? कुछ तो बेवकूफ़ टाइप के बच्चे हैं जो फ़ोन भी इसी में कर देते हैं, इसी में फ़ोन भी कर देते हैं, इस वजह से दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो क्योंकि जब वाईफाई से चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब वाईफाई से नहीं चलता, मोबाइल से चलता है। और दूसरा बात, आप सभी बच्चे एक बात विशेष ध्यान दो, अगर आप हमें कॉल करते हो आपका फ़ोन कट कर दिया जाता है तो आप लोग को फिर तुरंत नहीं करना चाहिए ना, मतलब ये पता होना चाहिए किसी के पास कर रहे हो, अगर वो एक बार काट दे तो आप तुरंत फ़ोन मत किया करो फिर से जस्ट, क्योंकि मान लो वो कहीं बिजी हो व्यक्ति, कुछ भी कर रहा हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि तुरंत कर दो। चलो इसमें मैं बताऊं, क्रॉस मल्टीपल करोगे यक्स का स्क्वायर होगा इक्वल ये 49 होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49, यानी यक्स का वैल्यू प्लस माइनस 7 आएगा, कितना आएगा? 7 आएगा, बिल्कुल सही है। नेहा प्रजापति, प्रीतम, पूजा यादव, एदुवंशी, पीवीआर स्टडी, जानवी यादव जी गुड इवनिंग, आप उत्तर तो नहीं बता रही, सिर्फ गुड इवनिंग है बोल रही बस। तो कल हम कुछ नया शुरू करे थे ना, कल हम लोग कुछ नया शुरू करे थे, व्यंजकों का गुणनफल और सर्व समीकरण, एक नया चैप्टर है।
हाँ तो ये लगभग आपका खत्म हो गया ना रेखीय समीकरण, इसमें कुछ नहीं है, रेखीय समीकरण खत्म हो गया ना, अब आगे चलें। हाँ, आज जो है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा ही अजीब टाइप के सवाल हैं, यही तो पढ़ रहे थे ना हम लोग कल, की कुछ और पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे ना। चलो सवाल लिखो आप लोग, सवाल लिखो। वो कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? वो कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? आप सभी बच्चे बताओगे, जल्दी करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहीं मिलेगी आपको कभी, क्लास नहीं मिलेगी। अब मत फड़ा करो, अब मैं आगे क्या कहूँ बताओ, सारी इंतजाम तो मैंने कर दिया जो जो हो सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया, टेलीग्राम में लिंक भेज दिया, चैनल सब्सक्राइब करने को बोला, नहीं कुछ करोगे तो नहीं पढ़ो, बताओ, अगर करो कुछ तो मिला ना, ना करोगे तो मैं क्या करूँ? कहाँ गया भाई, लिखो। वो कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में, कोई उत्तर बताएगा? रिशु जी बता दिए भाई, और कोई? वो कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में, जिनको नहीं आ रहा वो नो लिख के कमेंट करें, वो नो लिख के कमेंट करें। 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, बहुत आसान है, 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, वो कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? जिनको नहीं पता वो यन ओ नो लिख के कमेंट करें। मैं मार्कर में थोड़ा इंक डाल देता हूँ जिससे आपको और अच्छा दिखे और बेहतर दिखे, तो आप लोग जब तक कोशिश करो, जिनको नहीं आ रहा वो सिर्फ नो लिखेंगे, यन ओ नो, जिनको नहीं आ रहा वो सिर्फ नो लिखेंगे तो हम जान जाएंगे उनको नहीं आ रहा है, और हम तो बताएंगे ही, लेकिन सभी बच्चे जवाब दो। मार्कर में हम इतनी इंक डालते हैं ना कि जब तक ये बहने ना लगे, जिससे कि आपको एकदम मस्त दिखे भाई। डिजिटल बोर्ड अगर नहीं लग सकता है तो कम से कम ये गरीबों वाला बोर्ड तो अच्छा दिखे। और वैसे एक बात ये भी जान लो, पढ़ने का अगर मन है ना, तो हम लोग तो चाक से लिखा हुआ पढ़ते थे भाई, तो बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे तरकीब हैं। पिंटू मौर्य नहीं आया, ज्योति पटेल का उत्तर आ गया, प्रीतम सिंह का भी आ गया आंसर भाई, यशवंत का आ गया, पुष्पेंद्र, रितेश सबका आंसर भी आ रहा है। चलिए उत्तर सबका आ गया ना, अंजलि मिश्रा, अर्चना यादव और कौन कौन है, लगभग सभी का आंसर आ गया, जो कोशिश करेंगे ना उनका जरूर आएगा, गलत सही कुछ ना कुछ तो आएगा ही। दीपिका यादव को नहीं आ रहा है, सोनम शुक्ला जी को कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ये उत्तर से ज़्यादा ना बातचीत करने में विश्वास करती। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इसी उद्देश्य से आते हैं, हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि कम से कम भीड़ तो बनाए रहते हैं। चलिए, डिजिटल बोर्ड लगेगा 2 लाख रुपए का, प्लस 1.5 लाख का कैमरा लगेगा भैया, 3.5 लाख लगेगा, तो अभी तो नहीं हो रहा फिलहाल, कहीं कर्जा वर्जा लेके देखेंगे। चलो हल करेंगे, क्या करेंगे, कह रहा कि वो कौन सी संख्या है, अब मुझे तो नहीं पता कौन सी संख्या है, क्या करेंगे, लिखो। माना माना वो संख्या बराबर x, क्या मान लिया, संख्या बराबर x है ना, आया समझ में? अब देखो, कह रहा कि जिसके एक तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो एक तिहाई में, अब भैया एक तिहाई वही जानते हो कि नहीं, तिहाई चौथाई जानते हो कि नहीं जानते हो, आपने सुना होगा पहले तिहाई, अढ़ाई, ढाई, 5 होता था ना, लेकिन अब तो कम सुनाई पड़ता है, कैसे करोगे आपको पता है, ध्यान दो कैसे करेंगे, ध्यान दो।
हाँ कह रहा कि जिसके एक तिहाई में ना, देखो तिहाई का मतलब होता है जैसे एक तिहाई मतलब 1/3, एक तिहाई मतलब 1/3। अब देखो 1/4 का मतलब 1/4। देखो जो बच्चे चिढ़ते हैं उन्हीं को बोलते हैं, बस सबको नहीं बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ यक्ष का 1/3 क्या होगा, एक्स का 1/3 क्या होगा, बोलो भैया। 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4। किसका 1/4, किसका 1/3? जिस संख्या का निकालना है, यक्ष का निकालना तिहाई मतलब यक्ष 1/3। बात समझ में आया ना, समझ में आया ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 का तिहाई बताओ, तो 100 का तिहाई मतलब 100/3, आधा मतलब 2/2, आधा अगर बोलें तो 2/2। चलो तो अब मुझे बताओ संख्या का 1/3 कितना होगा। देखो ये गणित बड़ा आसान होता है, ये बहुत आसान होता है, इससे मुश्किल तो जिंदगी का गणित होता भाई, ये बड़ी सिंपल सी गणित है। कह रहा कि कौन सी संख्या है, मुझे नहीं पता था, मैंने मान लिया माना संख्या बराबर x। कह रहा जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो बच्चा क्या करोगे, लिखो संख्या का 1/3, संख्या का 1/3, संख्या का 1/3 बराबर यक्स गुणा 1/3 बराबर यक्स 1/3। आगे का कह रहा था, ध्यान दो आप लोग। हाँ चलिए ठीक है, सॉरी उसके लिए, अगर कोई को प्रॉब्लम हो रही तो अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, किस में, 1/3 में। अब नीचे प्रश्नानुसार करो, चलो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा कि संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो भैया 1/3 है यक्स 1/3, ए में 5 जोड़ते हैं तो 8 प्राप्त होता है। इसको हल करके एक्स का मान निकाल लोगे, चलो जल्दी बताओ, जवाब दीजिए भाई। पढ़ाई लिखाई पहले कर लो, फिर बाद में जो जो शिकायत होगी, जो जो जिसकी समस्या होगी बता देना। चलो जल्दी जवाब दो, फटाफट जल्दी करो, कितना आएगा। ये मोबाइल के नेटवर्क से चल रहा है, तो ये बता दो मुझे कि क्लियर तो आ रहा है ना, क्लियरिटी तो है ना, मतलब धुंधला उंधला तो नहीं दिख रहा, ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना। देखो आज मैंने सभी बच्चों को एक चैनल पे जोड़ा है, रोज ना ये अलग अलग चैनल पे हो जाते थे, इस वजह से मुझे कम अच्छा लगता था, क्योंकि ज़्यादा बच्चे रहते ना तो मज़ा आती है, अगर बच्चे कम हो जाते तो फिर मज़ा नहीं आती, अच्छा नहीं लगता है, ठीक ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं भैया, बहुत से बच्चों का जवाब आ गया। सुमन खोखर, सोनम यादव, रमेश बघेल, कुमारी संगीता, संध्या कुमारी, अनुष्का शुक्ला, कविता राजपूत, पुष्पेंद्र, प्रज्ञा, प्रीतम, सुमन, ध्रुव, सबका तो आ रहा है यार, सबका आ रहा है, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो इधर साइड में मैं कर दूं, तो ये यक्स अपान 3, ये प्लस का 5, इसको 1 लिख लो, इक्वल का 8। देखो इसको हल करने का एक और भी मज़ेदार तरीका है, लेकिन मैं वो नहीं लगाऊंगा, ध्यान देना, क्रॉस मल्टीपल कर लो, तो यक्स प्लस 15/3 बराबर 8 हो जाएगा। सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं यार, 8 3 24। देखो इसमें 5 जोड़ा जा रहा है, तो हम काहे के लिए ये सब लफड़ा करें, इनको हटाओ यहाँ से, इनको ऐसा करो ना, यक्स 1/3 ऐसे लिख लो बराबर 8, ये 5 उधर साइड माइनस में ले जाओ, आसान होगा। यक्स 1/3 बराबर 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा बच्चा, यक्स का मान 9 आएगा, 9 आएगा। वैसे 15 9 24 होता है, वैसे भी वही आता, दोनों तरीके से वैसे आएगा। वैशाली त्रिपाठी का भी उत्तर आ गया था, अनुष्का जी का भी आ गया था, अंजलि पाल, सभी बच्चे का आ गया था उत्तर, तो बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप सभी बच्चों को मैंने एक चैनल पे जोड़ा है, मैंने देखा था यार छीछा लेदर हो जाती है, किसी पे 50 बच्चे, किसी पे 20, किसी पे 10, 3 4 चैनल होने से ना गड़बड़ हो जाता है। देखो आपकी इंग्लिश वाली मैडम भी आ गई, आप लोग की इंग्लिश की क्लास सुबह 7 बजे से चलने लगी है ना, आप लोग की अंग्रेजी की क्लास सुबह 8 बजे से, 7 बजे से चल रही है, जिन बच्चों को शून्य से शिखर तक अंग्रेजी सीखना, इंग्लिश सीखना, वो सुबह देखें
अभी नई नई क्लास हो रही है, हाँ, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सुबह के टाइम आना, इंग्लिश जिनको पढ़ना है। अब देखो इसको हम जांच करते हैं उत्तर की सही है गलत है। चलो आंसर की जांच करते हैं। आंसर नाइन आया ना, नाइन आया ना, तो क्या करोगे, नाइन ये सही है कि गलत है, हम लोग इसको चेक करते हैं। ध्यान दो सभी बच्चे, ये नाइन सही है कि गलत है, देखो उत्तर की जांच करके हम आपको दिखाते हैं। उत्तर की जांच करके दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। काहे को यार, ओ एक मिनट रुक जाओ भाई, देखो ये थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। आप लोग इसकी उत्तर की जांच करके पहले बताओ मुझे सही है गलत है। सभी बच्चे आंसर की जांच करके बताओ सही है गलत है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पहले आप लोग क्या करोगे, इसकी आंसर की जांच करेंगे हम लोग मिल करके। तो चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, आप लोग खूब बात मत करो, ठीक है, नहीं बोलेंगे। चलो देखो इधर साइड में, ये तो ठीक है जो था। उत्तर की जांच देखो, संख्या कितनी आई है, नौ आई है ना। अब देखो ये नौ सही है कि नहीं सही है, हम पहले इसको जांच करेंगे। कैसे, कह रहा था वो कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में पाँच जोड़ने पर आठ प्राप्त होता है। तो संख्या का एक तिहाई कर दो, संख्या का एक तिहाई ये हो गया, मैंने एक तिहाई कर दिया। कह रहा इसमें पाँच जोड़ने पर अब आठ प्राप्त होना चाहिए। अगर प्राप्त हो गया, अगर आठ प्राप्त हो गया तो मतलब हमारा उत्तर जो निकाले थे सही था, नहीं हुआ तो गलत है। तो चलो ये तीन आएगा कटेगा, धन पाँच बराबर आठ आ गया, यानी हम लोग का आंसर सही था ना। हाँ ठीक है, हम लोग का उत्तर क्या था, सही था ना। चलिए अब आगे चलें, ध्यान दें, ये हो गया ना क्लियर, आप लोग कर लोगे। अच्छा ठीक है, अगर इसी में मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं तो आप लोग कर लोगे कि नहीं। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं, लेकिन उसके पहले सभी बच्चे क्लास को लाइक करो, निवेदन है आप सभी से, जल्दी से लाइक करो यार। आप लोग की थोड़ी जिम्मेदारी है कि नहीं बताओ, मतलब मैं सैकड़ों बच्चों को फ्री पढ़ा रहा हूँ, आपकी बहुत सारी क्लास दिन भर फ्री चलती है, हाँ चलती है ना, देखो सुबह चलती है 8 बजे कक्षा 10 वालों की, शाम को 3-4 क्लास चलती हैं, 9th की चलती है, DLED की चलती हैं, तो आप लोग भी तो करो ना भाई, कुछ तो करो ना, जल्दी करो, सभी बच्चे करो फटाफट, सभी बच्चे करेंगे, निवेदन है आप सभी से, 1 मिनट का टाइम है बस, ओनली 1 मिनट, उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन सभी लोग करो, जो नहीं करेंगे ना फिर वो अच्छे बच्चे नहीं हैं, वो गंदे बच्चे हैं। तो देखो कोई भी गंदा बच्चा तो नहीं बनना चाहेगा, कर दिए, हो गया। चलिए इधर भी कुछ बच्चे आ गए हैं, लेकिन ये बड़े खतरनाक टाइप के हैं, ये बीच बीच में आते रहते कभी कभी। वो कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में, जिसके एक तिहाई में 12 नहीं अगर 7 जोड़ दें तो 8 प्राप्त होता है। आप बताओ, ये सवाल अलग हो गया, चलो जवाब दो। जिन बच्चों ने कर दिया उनको कोटि कोटि धन्यवाद, और जिन बच्चों ने नहीं किया उनसे उम्मीद है कि वो जल्दी ही कर देंगे, क्योंकि बच्चे तो आखिर अपने PVR स्टडी के ही है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कैसे होगा क्या होगा। चलिए आगे चलें, चलिए ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे अब, सॉरी उसके लिए, आप लोग जो मर्जी वो करिए, अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो बेहतर रहेगा। हाँ चलिए ठीक है, हाँ देखो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप लोग कोई प्रकार की बातचीत करते हो क्लास में तो अगले लोग को डिस्टर्ब होता है, दूसरा नंबर आपका दिमाग स्टडी से हट जाता है, बाकी आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ही फायदा है, बाकी इसमें हमारा कोई विशेष फायदा नहीं होता। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे नाराज हैं, और ये ना मतलब एक दूसरे की वजह से नाराज हैं, मुझे पता है इसमें कई लोगों का ग्रुप रहता है, अगर किसी एक को बोल दिया तो सब नाराज हो जाएंगे भाई। चलिए ठीक है, चलो ठीक है।
अब इसका आंसर मुझे बताओ सभी बच्चे, कोई नहीं बताएगा क्या? देखिए इसका आंसर आ रहा है बहुत से बच्चों का, संध्या कुमारी का उत्तर आ गया 3, और रितेश, प्रीतम, ध्रुव और कौन, कोई उत्तर नहीं दिया? अरे भाई बताओ उत्तर बताओ आप। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा कि कौन सी संख्या है जिसके एक तिहाई में 7 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या यक्स है। क्या है? एक्स है। अब यक्स के एक तिहाई में मतलब यक्स बटा 3, कह रहा कि 7 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो प्रश्नानुसार लिख के लिखोगे यक्स बटा 3 + 7 = 8। यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालोगे। देखो नीतू बघेल का उत्तर भी आ गया, पुष्पेश सिंह का आ गया, सभी का आंसर आ रहा, तो बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे मत करो इसको, जाने दो। तो यक्स अपान 3 = 8 - 7, तो यहाँ पे क्या करोगे, यक्स अपान 3 = 1, यक्स का वैल्यू 3 आएगा। इसकी हम उत्तर की जांच भी करेंगे कि सही है कि गलत है। देखो वेरी सिंपल सा है। और जो बच्चे थोड़ा देर क्लास छोड़ के भाग जाते हैं ना देख के, उनको एक सुझाव ये है कि अगर पूरा टाइम देखोगे ना तभी समझ में आएगा, पूरा टाइम देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक ना? संध्या कुमारी जी अगर आप कहिए तो मैं आपका ही नाम जपूं, बाकी मैं पढ़ाना बंद कर दूं। हाँ जो बच्चे नाम लेने वाले हैं वो ध्यान दें, अगर काम करोगे तो नाम होगा, ठीक है? काम करोगे तो नाम होगा, अच्छा काम करोगे लेकिन तब। चलो ध्यान दो, 3 आया था, देखो सही है कि नहीं भाई। 3 का एक तिहाई कर लो, इसमें 7 जोड़ दो, देखो 8 आता है, आएगा, यानी कि आंसर सही था ना, आंसर सही था ना। चलिए अब इसके बाद कुछ और सवाल करते हैं, का यही सब थोड़ी करेंगे, नहीं। सवाल ध्यान से सुनो, कह रहा कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताओ। बड़ा अजीब सा लग रहा है यार मुझे, सवाल एक बार फिर से सुनो, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। बहुत आसान है, एकदम सिंपल सा, एकदम हलवा है, बस यही जान लो। अब इससे ज़्यादा आसान हम क्या बोलें। अब ध्यान दो आप लोग, ये आपके रैखिक समीकरण के जो क्वेश्चन हैं उस चैप्टर के आपके परीक्षा में आएंगे, यही जान लो बस। प्रज्ञा का 2 आया भैया, दीपिका यादव का 8 आया है, रितेश का भी आ गया, उजाला मौर्य का आ गया, बहुत अच्छे बच्चे। वो कौन सी संख्या, ये तो हो गया, 5 पुस्तकों का मूल्य भाई, सवाल लिखो नहीं मज़ा नहीं आएगी। 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, चल उधर दिख रहा है कि नहीं, दिख तो रहा है, काहे ये भाग रहा है यार। हाँ ये लो पूरा देखो, क्लियर आ रहा ना, मूल्य से 14 कम है। आगे का कह रहा है, 14 कम है, एक पुस्तक का मूल्य बताओ, मतलब कि एक पुस्तक कितने की है। जिनको नहीं आता वो नो लिख के कमेंट करें, NONO। अनुष्का शुक्ला जी हमारे सामने भी वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि हमें नहीं दिख रहा है, जो भी हो रहा हमें सब दिख रहा है, आप परेशान मत होइए। चलिए जवाब दीजिए बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे, फटाफट बोलेंगे, किसी को नहीं आ रहा है, सब मतलब गधा टाइप के जुड़े हैं का यार।
देखो मेरी बात को बुरा मत मानना, हाँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप लोग कुछ मेहनत करो, जिससे कुछ मेहनत करो। नहीं आ रहा सब नो, कुछ तो बड़े ही गर्व के साथ बोल रहे नो। बहुत अच्छे बच्चे हो यार। चलो कह रहा कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। एक बात यहाँ पे ध्यान दो, पहले बहुत ही अच्छे से सुनो, ध्यान दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने 2 नाम लिखा और मैंने कहा कि रमेश, और ये इसमें कौन है भाई जो बहुत हंस रहा है इस टाइम? संदीप। चलिए ठीक है संदीप। रमेश की आयु यानी रमेश की उम्र जो है वो संदीप की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो बताओ पहले किसकी उम्र मानोगे आप? ये बहुत ही समझने वाली बात है, नहीं तो इसी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अगर रमेश की उम्र संदीप की उम्र से 5 वर्ष अधिक है तो पहले किसकी उम्र मानोगे? किसकी मानोगे? संदीप की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। श्रुति तिवारी का बिल्कुल सही जवाब। और किसी का? अनुष्का शुक्ला, वेरी गुड। चलिए क्यों ऐसा करेंगे, पहले ध्यान दो इधर। हाँ आपकी बार, जो नाम लेने वाले हैं उनका नाम बोलेंगे। चलो रमेश की उम्र जो है वो संदीप के उम्र पर निर्भर है। क्या है? डिपेंड है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि रमेश की उम्र संदीप की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो कुछ बच्चे क्या कहते हैं, पहले जो नाम आ जाता है उसी को मान लेते हैं, मान लेंगे रमेश की उम्र कुछ मान लेंगे, तो सब गलत हो जाएगा, फिर सही नहीं होगा। देखो मिस्टर संदीप जी बोल रहे हैं मेरी। हाँ ठीक है, तो पहली आपकी ही मानी जाएगी, अच्छी बात है। चलिए अब देखो कैसे, उसी तरह से क्या करोगे, इसमें क्या करोगे? कह रहा 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, तो पहले कितने पुस्तक का मूल्य मानोगे? पहले कितने पुस्तक का मूल्य मानोगे? मानोगे 7 पुस्तक। यहाँ पे लिखो हल, माना 7 पुस्तकों का मूल्य बराबर कुछ भी मान लो भाई। हर बार हम लोग यक्ष मानते हैं, तुम लोग सोच रहे होगे यक्ष ही होता है, तो यक्ष नहीं, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं वाई। कोई भी एक वेरिएबल माना जाता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यक्ष ही मानते हैं हर जगह। चलो अब ध्यान दो, माना 7 पुस्तकों का मूल्य ₹Y। अब ध्यान दो, कह रहा कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है। क्या है? 7 पुस्तकों के मूल्य से ₹14 कम है। तो अगर 7 पुस्तकों का मूल्य ₹Y है, अच्छा वाई तो जाने दो, मारो गोली। अगर मान लो 7 पुस्तकों का मूल्य ₹60 होता, अगर 7 पुस्तक का मूल्य ₹60 होता तो भैया 5 का मूल्य कितना होता भाई? उससे 14 कम होता, यानी सिंपल सी बात है। इतना ना, इतना का मतलब कितना? अरे 46 रुपया होता ना, बोलो 46 होता ना, 46 होता ना, ये होता ना। अब ध्यान दो, यानी कहने का मतलब अब आप हमारी बात समझ गए। यहाँ पे लिखोगे माना 7 पुस्तकों का मूल्य ₹Y, इसलिए 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर ₹Y-₹14। कितना? ₹Y-₹14। अब क्या कह रहा आगे? तो 1 पुस्तक का मूल्य बताओ, कैसे करोगे भाई साहब? इसको सोच के बताओ कैसे करोगे, ये तो बड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा है बड़ा। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, तो 1 पुस्तक का मूल्य बताओ। काय को बोल रहे हो भाई आप लोग? चलो बताओ फटाफट कितना आएगा, ये समझ में आया कि नहीं? 5 का मूल्य आ गया, 7 का भी आ गया, अब 1 का बताना है,
आप लोग बताओगे, कोई बताएगा, कोई बताएगा, गड़बड़ नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ठीक है, सवाल में कुछ गड़बड़ नहीं है, आप लोग को सिर्फ ट्राई करना है बच्चे, क्या करना है, ट्राई करना है, एक का मूल्य बताना है, कुल मिला करके हमें रैखिक समीकरण बना के लगाना है, हमें रैखिक समीकरण बना करके इसको लगाना है, तो कैसे करोगे? मुझे कुछ डाउट तो हो रहा है, लेकिन रैखिक समीकरण ही बनेगा ना, एक पुस्तक का मूल्य अगर यक्स, तो सात का मूल्य सात यक्स, तो पांच का मूल्य सात एक्स माइनस पांच, हाँ कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये ऐसे मुझे गड़बड़ लग रहा है, रुके रहो एक मिनट, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, देखो यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ये पहला ऐसा सवाल है जो बड़ा अजीब टाइप का है, मुझे थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि उस तरह आ जाएगा, लेकिन उस तरह से बात नहीं बनेगी, अब ध्यान दो कैसे होगा, हाँ एक पुस्तक का मूल्य निकालना था ना, आप लिखोगे क्या, माना माना एक पुस्तक का मूल्य, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर यक्स रुपया या वाई रुपया कुछ भी मान लो, हाँ अब ध्यान दो, ये हो गया, तो बताओ अगर एक का मूल्य यक्स है तो सात का मूल्य कितना होगा, भाई सात पुस्तक का मूल्य कितना होगा, ध्यान दो, इसलिए लिखोगे सात पुस्तक का मूल्य, सात पुस्तक का मूल्य बराबर सात यक्स, यही तो होगा ना, सात यक्स होगा, पांच पुस्तकों का जो मूल्य है सात पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, लिखो इसलिए पांच पुस्तकों का मूल्य बराबर सात एक्स माइनस पांच, यहां से आपको मान निकालने हैं, क्या करने हैं, यक्स के मान निकालने हैं, यक्स के मान निकाल लो, उत्तर आ जाएगा यक्स बराबर पांच, कितना आएगा आप लोग करके बताना, ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, मतलब उलझा सा सवाल लग रहा है, आप लोग करके बताना, नहीं तो बाद में बता देंगे, देखो गलत बताना अच्छा नहीं है, और ये सवाल जो है ना पहला बड़ा अजीब सा आज मुझे मिला हुआ है, अब जो भी आप लोग समझो, कुछ गड़बड़ लग रहा मुझे ये, यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था, चलो ठीक है आगे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं, आप लोग दोनों तरफ ही ट्राई करना, एक्स का मान बताना, ठीक है, साथ आएगा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने निकाल लिया, नहीं तो इसको हम कल बता देंगे अच्छे से, क्योंकि आज ही हमें कुछ बड़ा गड़बड़ लग रहा है, मतलब दोनों तरीके से मुझे सही नहीं लग रहा है, अगर अगर हम इसमें यक्स का मान निकाल दें तो आ तो जाएगा, निकालना आसान है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कहीं अगर गलत हो गया तो आप लोग गलत सीख जाओगे, तो गलत सीखने से अच्छा है कि ना बताएं तो ठीक है ना, कल बताएं लेकिन अच्छे से बताएं, तो अगर कोई 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 प्रकार का डाउट होता है तो फिर हम उस सवाल को नहीं बताते हैं, कुछ लोग सोचेंगे बेइज्जती होती, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, कहीं किसी सवाल में कोई डाउट हो रहा है तो उसको छोड़ देना अच्छा होता है, चलिए एक सवाल और लिखो, आप लोग करोगे एक सवाल और लिखो, बहुत ही ध्यान से सुनो, सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था, लिखो सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, सचिन की, भाई कोई सचिन है कि नहीं इसमें, वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, यदि वह कितना वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था, आप लोग इसको करके मुझे बताओगे, ठीक है, और रात्रि के अब लगभग 10 बजने वाले हैं, तो आप लोग रात 10 बजे वाली लाइव जरूर देखना, इसी चैनल पे चलेगी, PVR स्टडी के चैनल नंबर 3 पर, जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तुरंत कर लेंगे, जल्दी से देर नहीं करेंगे, और बेल आइकन ऑन करके रखना घंटी को बजा के, जिससे कि रात 10 बजे आपकी मोबाइल की घंटी बज सके और आप 10 बजे वाली क्लास पढ़ सको बच्चे, ठीक है, तो सभी बच्चे आएंगे, मुझे पता है आज मैंने कुछ बोल दिया था क्लास में, इसलिए दो बच्चों ने डिसलाइक भी कर दिया, वो नाराज़ है बहुत ज़्यादा, उनसे सॉरी बोल रहे हैं, और आगे क्या करें, देखो आप लोग के अच्छे के लिए जो भी चीज़ बोलते हैं,
और अगर आप लोग को कुछ गड़बड़ लगता है तो हम नहीं बोलेंगे आज से, बस ना यही चाहते हो ना, चलो ठीक है। तो भाई अगर किसी को कोई शिकवा शिकायत है तो बता देना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, और अगर कोई बात बुरी लगी तो भी बता देना। देखिए सिर्फ पढ़ाने की ही कोशिश से हम आप लोगों से जुड़े हैं, और आप लोग उस बात को समझें, अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप लोग का करियर बनेगा, भविष्य बनेगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं 10 बजे, आप लोग सभी बच्चे आना। कितना बजे से आओगे? 10 बजे से सभी बच्चे आना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, ठीक ना। सुबह 7 बजे से इंग्लिश की क्लास चलेगी, सुबह 7 बजे से इंग्लिश की क्लास चल रही इस समय PVR स्टडी इलाहाबाद पर, सुबह 7 बजे से, सुबह 7 बजे इंग्लिश, सुबह 7 बजे इंग्लिश, याद रखना।